हेलो स्टूडेंट, आज नाइन्थ क्लास की एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय अ पॉलिनोमियल, मतलब एक बहुपद को बहुपद से कैसे डिवाइड किया जाता है ये सीखा जाएगा। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल नाइन्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, उसको सिखाने की गारंटी हमारी है। वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और समझने की कोशिश जरूर करें। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका सारा प्रोसेस सिंपलेस्ट वे में क्या है देखें। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम जो बात कर रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें डिवाइड करना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह है हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर। अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जिसको डिवाइड करना है या जिससे डिवाइड करना है, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। आसान सिंपलेस्ट वे देखें तो सबसे पहले जिसको डिवाइड करना है या जिससे डिवाइड करना है, दोनों को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चल रहे हैं। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइड किया जाएगा इससे। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² प्लस 2x प्लस 1। अगर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो डिवीजन गलत आएगा। अब किस तरह डिवाइड करना है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा x², ये हमारा 3x³। x² के टेबल में 3x³ 3x में आ गया, और पहले बताया भी गया था वही बताया जा रहा है कि 3x³ ऊपर रखो, इस x² को नीचे रखो। तो इस x² से ये x² कैंसिल, सिर्फ 3x बची। तो जो हमारा बचेगा हमें उसे ऊपर रखना है, इसको इससे इंटू करा 3x³। अब इसको इससे इंटू करा 2 3 6x², इसको इससे इंटू करा 3x। क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखना, x³ के नीचे x³, x² के नीचे x² x के नीचे x। अब हमने इन सब के साइन चेंज कर दिए, साइन इसलिए चेंज करने हैं ताकि ये कट जाए। प्लस x² माइनस 6x², तो माइनस 5x² माइनस एक्स प्लस 5, x² से x² कैंसिल, माइनस के 5, इसको इससे इंटू करा माइनस 5x² 2 5 10x माइनस के 5, सबके साइन चेंज कैंसिल। और अब ये माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, तो 10x में से x गया, यहाँ आ गया 9x प्लस के 10। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसकी पावर इससे ये छोटी हो गई, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये इसका रिमाइंडर कहलाता है, हिंदी में कहते हैं शेषफल। ये इसका आ गया क्वोशेंट, मतलब भागफल। जब रिमाइंडर तभी बचेगा जब ये इससे छोटा हो जाएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं है,
अभी आप इसको जो है नोट डाउन करें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, लेकिन लाइक और कमेंट्स जरूर करते हैं। देखें अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन करेंगे। माइनस एक्स की क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस का 5, इसको जो डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, ये दोनों के दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आए हैं। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, माइनस एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस के 1। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, यहां पर आ गया एक्स स्क्वेयर एक्स, इसको इससे इनटू करा माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सबके साइन चेंज कैंसिल, और ये प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, थ्री में से बन गया टू, तो यहाँ आ गया टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस के टू एक्स, माइनस का टू एक्स प्लस का फाइव, इस एक्स स्क्वेयर से ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल, बच गया टू लेकिन माइनस का टू, इसको इससे टू एक्स स्क्वेयर माइनस का टू एक्स प्लस का टू, सबके साइन चेंज कैंसिल, माइनस नहीं है बल्कि प्लस है, ये भी कैंसिल, फाइव में से टू गया थ्री, ये बच गया छोटी पावर, इसलिए ये हमारा बच गया रिमाइंडर, मतलब शेष फल, ये हमारा बन गया कोशेंट मतलब भागफल। इसी तरह जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसको भी, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ 3x की क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 9 डिवाइड करना है 2 माइनस के x। फिफ्थ क्वेश्चन डिवाइड x माइनस x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x की क्यूब प्लस के 5 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, और इन तीन क्वेश्चंस का आंसर आप हमें, इनका जो रिजल्ट है जो इनका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमें आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी दें ताकि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा जो है इम्प्रूव कर सके। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।